खुशामदीद है आपका दी टाइप राइटर, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जितना भी यूथ है वो बाकायदा तौर पर कुछ ऐसी स्टोरियां देखे जिनसे उन्हें जो है करेज मिले और कुछ करने का जो है जज्बा बढ़े। हमारे साथ आज के मेहमान हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर, या फिर आपको बता दूं कि गुलाम हसन साहब, जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोग बाकायदा तौर पर देखते हैं। और कई सारे लोगों का कहीं ना कहीं सवाल ये भी होता है कि जनाब, अगर हम कोई इम्तहानात दें या फिर पुलिस सर्विस के लिए पढ़ें तो करना क्या चाहिए और लाइफ किस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर बितानी चाहिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, हाल ही में आप जो हैं प्रमोट हुए हैं, तमाम लोग बधाइयां दे रहे हैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। सर आपसे सवाल रहेगा, आज के अगर देखें तो जनरेशन जो है काफ़ी कुछ सीखना चाहती है, अफसरान से मिलना चाहती है और पूछना चाहती है कि सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, किस तरीके से कर लिया। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आखिरकार आपने अपना सफ़र कैसे स्टार्ट किया था और किस तरीके से स्ट्रगल आपने किया था। देखो जैसे बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर वो जानना चाहते हैं कि यूपीएससी या स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, तो एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए, इसमें काफ़ी टाइम की ज़रूरत होगी, तो वो रब्ता भी कर सकते हैं। एक कुछ की मंत्राज में ये बता दूंगा कि अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं या टेंथ के बाद जो भी स्ट्रीम चूज़ करते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए, वो बिटवीन द लाइन डीप तरीके से पढ़िए। आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए हर किसी चीज़ का। यू शुड बी नोइंग समथिंग ऑफ एवरीथिंग, यू शुड बी नोइंग समथिंग ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको एक जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो समझनी पड़ेगी। ओके, जो यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की एग्जामिनेशन की स्कीम है सिलेबस में, उन्हें बाकायदा जो पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिश करता है सिलेबस, उसमें बाकायदा दिया होता है जी कि आपको आपकी आपका टेस्ट किस तरीके से होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, क्या होंगे, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा, पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपको उसमें ऑप्शन भी मिलता है ऑप्शंस लेने का। तो वो सारी स्कीम जो है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझना एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार अगर वो समझ पाए उस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को, पैटर्न को जी, तो उसके बाद वो अपनी प्लानिंग अच्छे तरीके से कर सकता है और अपनी स्टडीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। अच्छा सर, ये पॉजिटिव रहना किस तरीके से रहना होता है पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा नेगेटिविटी माइंड पर छाई रहती है और इंसान सोचता है यार कुछ करूं, मगर 10 चीज़ें उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर अवकात क्या है कि नेगेटिविटी हमें बहुत कमज़ोर कर देती है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमेशा आपको पीछे खींच लेती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे जो आपको नेगेटिविटी दे रहे होंगे, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के आसपास रहिए और खुद भी पॉजिटिव सोचना है। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस के कर सकते हैं जरूर आप कर लेंगे। बेशक आप किसी को एफोर्ड कर सकता है मगर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है इसमें अच्छा सर, ये माइंड को तैयार कैसे किया जाता है, मतलब अगर किसी ने जो है पुलिस सर्विस करनी है या फिर पुलिस ऑफिसर का ओहदा लेना है, उसको पढ़ना है, तो खुद के माइंड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसमें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि जब होते हैं 12th क्लास के बाद या ग्रेजुएशन वाले पीरियड में होते हैं, तो कोशिश करें कि कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज की बायोग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उससे आपको ऐसी एग्जांपल्स हैं ग्रेट पर्सनालिटीज के जिन्होंने बहुत ही डिफरेंट फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव की है।
एक इंसान के अंदर अगर मोटिवेशन हो तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, आप बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टाइम का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, टाइम का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, ये मैं बताना चाहूंगा कि आजकल के स्टूडेंट होते हैं रैंडम मीडिया को एसेस करके रैंडम नॉलेज गेन करते हैं। बिल्कुल ऊपरी सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा जो सोशल मीडिया पे जो है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो नॉलेज अगर आपको गेन करनी है उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स को चूज करना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे जाइए। फेसबुक से आपको नॉलेज हासिल होगी, फेसबुक से आपको जरूर एंटरटेन मिलेगा, नॉलेज भी अगर हासिल होगी लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होगी, मिनिमम नॉलेज। हाँ, नॉलेज मिलेगी आपको नॉलेज। अगर आप करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अच्छे अच्छे बुक्स चूज कर लें आप, या कुछ यूट्यूब चैनल्स अच्छी अच्छी हैं जो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, वो परखें। जब भी आप किसी चैनल को या किसी बुक को या प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर लीजिए, पहले देख लीजिए, दो चार चीज़ें इस हर प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, आपको फ़र्क मालूम हो जाएगा कि किस चैनल का या किसी बुक का या किसी मीडियम का स्टैंडर्ड क्या है। तो जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड होगा जिस मीडियम का, उसी को चूज़ करके सही जो नॉलेज है आप हासिल करें, वो ज़्यादा आपको मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले इन्वेस्टिगेट थोड़ा सा करना ज़रूरी है। अगर आप टेक्स्ट बुक्स, में आपको बता दूंगा जैसे हमारे स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्स्ट बुक्स तो सेम होती है, रेफरेंस बुक्स जो है मार्केट में बहुत सारी आती हैं, जैसे हम एकेडमिक्स के yes, different आते हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स डिफरेंट रेफरेंस बुक्स निकाल लेते हैं, तो डिपेंड करता है रेफरेंस बुक का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो फिर अगर स्टूडेंट देख के चूज करके समझ के फिर उसको समझ आ जाता है कि कौन सा रेफरेंस बुक है जिसका सही स्टैंडर्ड है और किसकी सिंक्रोनाइजेशन, किसकी रेफरेंस की जो आइडियाज़ जो है मैं जल्दी समझ पाता हूँ, तो उसी रेफरेंस का इस्तेमाल करना, उसी मीडियम का इस्तेमाल करना। अच्छा सर, रूटीन क्या रखना चाहिए, लाइक हमेशा तर रूटीन किस तरीके का जो है रखना चाहिए जो इस चीज़ के लिए पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा, रूटीन डिपेंड करेगा आप पे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक अगर तीन लोग सफ़र शुरू करते हैं, तीन लोग श्रीनगर से जम्मू जाना है जी, लेकिन एक बंदे का घर श्रीनगर में है, जो सेकंड पर्सन है उसका घर कुलगाम में है, थर्ड पर्सन का घर रामबन में है, तो अगर तीनों को हम ये कहेंगे कि आपको कल जम्मू पहुंचना है तो डेस्टिनेशन सबकी सेम है लेकिन सबके लिए अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है। अगर जो श्रीनगर वाला है इसको 250 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र करना है, बानिहाल वाले को इससे 50-60 किलोमीटर कम सफ़र का, 100 किलोमीटर कम सफ़र करना, रामबन वाले का सफ़र इससे भी कम है, तो सेम इसी तरह से होता है, हार्ड वर्क उतना ही आपने करना पड़ेगा, जिस पोटेंशियल लेवल पे हो आप उससे आगे आपको बढ़ने की कोशिश करनी है। पहले आपने एसेस करना है कि एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए नॉलेज का, वो आपको सिलेबस देख के आइडिया लग जाता है कि अगर ये सिलेबस यूपीएससी का है इसमें 500-600 टॉपिक्स हैं एक सब्जेक्ट में, इसमें से कितने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे ऑलरेडी पता हैं, जो मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में या क्लासेस में क्लियर कर लिए हैं, तो दैट मीन्स वो वाला पोर्शन आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आपको उससे आगे जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट्स हैं या उसमें चैप्टर्स हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने हैं। तो हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है वर्किंग आवर्स। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बता दूं, एक टीचर है अगर वो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अगर वो स्टार्ट करता है प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए, तो पहले ही उसने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज गेन कर ली है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में वो कर रहा है उसकी एडिशनल नॉलेज ऑलरेडी उसके पास है, अगर वो चलता है तो पहले ही उसके पास उस सब्जेक्ट की मिनिमम नॉलेज तो ज़रूर रहेगी, तो उसको उससे आगे मेहनत करना शुरू करनी पड़ेगी। एक दूसरा स्टूडेंट जो होता है जो ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज से आता है लेकिन यूपीएससी के लिए कहता है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में को ऑप्शनल चूज करना चाहूँगा या सोशियोलॉजी या किसी और सब्जेक्ट, तो दैट मीन्स उस सब्जेक्ट को मैं उसको जीरो से स्टार्ट करना है, उसको थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है किसको टाइम स्लॉट कितना है और आपको कितना सिलेबस कवर करना है, उसी पे डिपेंड करेगा आपके वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे। अच्छा सर, यूजुअली
वर्किंग आवर पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, करनी है, वो तो मैंडेटरी है जी। अच्छा सर, अगर किसी को किसी से फॉर एग्जांपल कोई गाइडेंस चाहिए हो, फिर किसी को देखकर उनसे सीखना चाहें, तो इसके लिए कौन से लोग जो है वो ठीक रहते हैं जानने के लिए, या फिर उनसे बातचीत करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए? अगर आप जम्मू जाना चाहते हो, ऑब्वियसली आप उस बंदे से, या किसी जगह का सफ़र करना चाहते हो, आप उस बंदे से पूछेंगे जो उस जगह का सफ़र कर चुका है। तो सेम लॉजिक है, जिन लोगों ने सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिए हैं, तो बेहतर रहेगा कि उन्हीं से मशवरा किया जाए, क्योंकि उन्होंने यह सफ़र देख लिया होता है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस देख लिया होता है, उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया होता है, वो आपको ज़्यादा बेहतर, उनको एक्सपीरियंस भी होगा, उनको एक्सपीरियंस भी होता है, और वो आपको बेहतर मशवरा दे सर। अगर मैं आखिर में कहूँ कि तीन चीज़ें जो तमाम जितने भी लोग हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में जो है पास होना चाहते हैं, उन्हें टिप्स दें, तो क्या देंगे? हाँ, उसमें तीन टिप्स में सबसे पहला है कि वर्क हार्ड, मेहनत कर लीजिए। नंबर दो, चूज़ योर गोल्स एंड टारगेट्स, पता होने चाहिए, उनका पीछा करते रहे। और नंबर तीन, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। ओके, ये चीज़ है। अच्छा, अगर आपसे कोई रابطہ करना चाहे और आपसे कोई टिप्स मांगना चाहे वक्त लेकर इस चीज़ के लिए जो है, किस किस तरीके से रابطہ कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल। इन कैपेसिटी ऑफ ए सिटीजन ऑफ द स्टेट में बोलना चाहूँगा, नॉट इन कैपेसिटी ऑफ एन ऑफिसर। बिल्कुल, अगर किसी को मुझसे रابطہ करना है, वो मीडिया के थ्रू भी मुझसे रابطہ कर सकते, आई मीन सोशल व्हाट्सएप पे। हाँ, अगर मेरे पास कोई आ सकता है, मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं जो अपनी हॉलीडेज हैं डेडिकेट करता हूँ। माशाल्लाह, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे बिल्कुल आते हैं मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन आपकी बात सही है, नहीं आप नहीं आ पाते हैं, जो नहीं आ पाते हैं उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो डिफरेंट माध्यम है, फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, किसी तरीके से कम्युनिकेट, यूट्यूब पे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। जो हमारा वर्किंग आवर्स है उनमें मैं नहीं टाइम दे पाता हूँ, लेकिन होलीडेज पे मैं ज़रूर टाइम दे देता हूँ। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जितना भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में हिस्सा लेंगे या फिर सोच रहे हैं, तो जज्बा, जुनून, और जिस तरीके से सर ने कहा कि आप में एक प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया, एक प्रोसेस फॉलो करना है, तब जाके आप जो है कामयाब बन सकते हैं। सर, आखिर में कुछ कह सकेंगे? आखिर में यही कहूँगा कि सब लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आजकल सोसाइटी में नेगेटिविटी है कि क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। मैं सब लोगों की नॉलेज के लिए बता दूँ कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, मेरी कोई किसी ने अनड्यू सपोर्ट नहीं किया है मुझे। अच्छा, खुद अपनी मेहनत से करके जब मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं एक आम एकेडमिक बैकग्राउंड से आता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स से किया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तो मैंने 2 साल स्कूल एजुकेशन में एज लेक्चरर पढ़ाया भी, टीचर 2 साल के लिए। तो अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सुपर नेचुरल होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की। तो जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, एक कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा बहुत बेहतरीन कही हैं सर ने, और तमाम लोग अपना जो है हौसला रखें, जज्बा रखें, और कामयाब हो जाएं। देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान के साथ। शुक्रिया।